हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ काशिफ शहजाद और आप लोग देख रहे हैं काशिफ शहजाद फिटनेस। फैट लॉस प्रोग्राम का पहले दिन का वर्कआउट आपके सामने है। इसमें मैं ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ, सबसे पहले 6, 8, 10, 12 बैक टू बैक लगाऊंगा। पहले सेट में मैं 6 रेप्स लगाऊंगा और मैं हैवी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। 6 रेप्स लगाऊंगा मैं और 90 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए ग्राउंड से, और आप जब ऊपर लेके आएँ तो स्क्वीज करें, नीचे लाएँ तो स्ट्रेच करें। अभी देखिए मैं वेट ड्रॉप करूँगा और मैं अब आप 8 रेप्स लगाऊँगा आप मैं विदाउट एनी रेस्ट। ये ड्रॉप सेट कह लें, सुपर सेट कह लें, मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वर्कआउट शुरू करने से पहले आप जब वार्म अप करते हैं, लाजमी आप भी वार्म अप करिए। वार्म अप करने के बाद, वार्म अप करने में आप क्या कर सकते हैं, आप पुशअप्स लगा सकते हैं, आप बारबेल चेस्ट जो रॉड है नॉर्मल वो लगा सकते हैं। और अभी ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने ये ड्रॉप सेट में क्यों लगा रहा हूँ, ये जो है ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरी चेस्ट जो है अच्छी तरह से वार्म्ड अप हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, और सारे मसल फाइबर्स जो हैं उनको, इनर पेक्टोरियल और मेजर और माइनर पेक्टोरियल जो हैं उनको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मैं अच्छी तरीके से अपना वर्कआउट जो है मैं कर सकूँ, सारे मसल मेरे एक्टिवेट हों। अब इसके साथ मैंने लगाना है, वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आपने 30 सेकंड्स का रेस्ट लिया और अब आपका है सेट नंबर 2 सुपर सेट। इसमें मैं देखिए इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगा रहा हूँ, इंक्लाइन बेंच है मेरा और 90 डिग्री का एंगल है, सांस आपने नहीं रोकना। 15 से 20 रेप्स लगाएंगे इसमें इंक्लाइन बेंच प्रेसेस। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आपने वेट पिक करना है और वो लगाना है, और फॉर्म का बहुत ख्याल रखना है आपने, इंजरी नहीं करनी है। अब आप देखिए बगैर किसी रेस्ट के अब मैं लगाऊंगा फ्लाइज, इंक्लाइन फ्लाइज मैं लगाने जा रहा हूँ। इसके भी मैं 15 से 20 रेप्स लगाऊंगा। आप भी वेट वही पिक करें अगेन जो आपकी स्ट्रेंथ है और 15 से 20 रेप्स लगाएं। बैक टू बैक लगाने हैं क्योंकि सुपर सेट का मतलब ये है कि पहली एक्सरसाइज लगाई उसके साथ ही दूसरी एक्सरसाइज। अब जब मैं ये अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करूँगा तो मेरा दूसरा सुपर सेट मुकम्मल हो गया, तो मैंने रेस्ट लेना है। 30 सेकंड्स का रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर 3 सेट्स रिपीट करें आप, 4-4 सेट्स लगाएं, कोशिश करें 3-3 सेट्स लगाएं, 4-4 सेट्स लगाएं। अब अगला मैं लगाऊँगा जॉइंट सेट, इसमें मैं क्रॉस केबल लगा रहा हूँ पहली एक्सरसाइज, दूसरी रेगुलर पुशअप्स लगाऊँगा। और सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मैं क्रॉस केबल लगा रहा हूँ। अब देखिए इसमें अपना एंगल देखना बहुत ज़रूरी है कि आप मशीन के मिड में खड़े हुए हों, 90 डिग्री का एंगल हो। जब आप आगे लेके आएँ तो आप मेक श्योर आप आधे सेकंड के लिए होल्ड करें, अपनी चेस्ट को स्क्वीज करें, और 15 से 20 रेप्स लगाएंगे उसी तरह से। और जॉइंट सेट है, इसको जॉइंट सेट कह लें या ट्रिपल सेट कह लें, इसमें मैं 3 एक्सरसाइजें लगाऊँगा बैक टू बैक। अब ये मैंने पहली एक्सरसाइज मुकम्मल की, पोजिंग बहुत ज़रूरी है, साथ साथ आप अपना मसल स्ट्रेच ज़रूर करें, इसलिए मैंने आपको ये दिखाई है कि मैं पोजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पोजिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है मसल की ग्रो करने के लिए। स्ट्रेच आप जब मसल को करते हैं तो आपके मसल्स ग्रो होते हैं। एनीवेज आप बैक टू बैक सेकेंड जॉइंट सेट की सेकेंड एक्सरसाइज है, बगैर किसी रेस्ट के पुशअप्स लगाने हैं 15 से 20 नॉर्मल पुशअप्स, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन की रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाने हैं आपने। मेक श्योर आप वर्कआउट के दौरान पानी पीते रहें, तकरीबन एक लीटर पानी पिएं पूरे वर्कआउट के दौरान, और ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़े थोड़े सिप्स लेते रहें। अब तीसरी एक्सरसाइज है मेरी ट्रिपल सेट की या जॉइंट सेट की, फ्लैट बेंच प्रेसेस, बगैर किसी रेस्ट के अब फ्लैट बेंच पर मैं प्रेसेस लगाऊँगा 15 से 20 रैप्स। याद रखिए जो वज़न है, जो वेट है, अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ आप लगाएं। जब आप जॉइंट सेट्स लगाएंगे, सुपर सेट्स लगाएंगे, तो आप यकीन जानिए कि आपके मसल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए होंगे और आप हैवी वेट नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश करें वही वेट लगाएं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। अपनी फॉर्म का ख्याल रखिए, एंगल का ख्याल रखिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपका फ्लैट बेंच पे। और अब देखिए मैं किस तरह डंबल रखता हूँ और उठाता हूँ। नेक्स्ट, अब आपने रेस्ट लिया, 3 सेट्स लगाए, उसके बाद अगला सुपर सेट है इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स में मैं
15 से 20 रैप्स ही लगाऊंगा उसी तरह से, और फॉर्म का बहुत ख्याल रखना है आपने, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन, सुपर सेट है ये, याद रखिएगा। और चार चार सेट्स लगाएं आप, कोशिश करें। और ये पहली एक्सरसाइज हुई मेरे पहले सुपर सेट की। अब मैं लगाऊंगा डिक्लाइन प्रेसेस। आपने इंक्लाइन पुशअप्स लगाए, आप फौरन से डिक्लाइन प्रेस लगाएंगे बगैर किसी रेस्ट के। 15 से 20 स्टेप्स, वेट अपनी अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के, और फॉर्म का बहुत ख्याल रखना है आपने ड्यूरिंग वर्कआउट। मेक श्योर आप सांस भी ले रहे हैं साथ साथ, सांस रोकना नहीं है आपने। गर्दन पे फालतू जोर नहीं देना है, गर्दन पे अननेसेसरी जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये मेरा सुपर सेट मुकम्मल हुआ, इसके बाद अब 3 सेट्स मुकम्मल लगाएं दोबारा से, और हर सेट के दरमियान 30 सेकंड का रेस्ट। अगली एक्सरसाइज में लगा रहा हूँ बाइसेप्स, सुपर सेट नंबर 5। पहला मैं लगा रहा हूँ वाइड ग्रिप बाइसेप्स प्रीचर कर्ल मशीन पे, और ये लॉन्ग हेड में ट्रेन करूँ बाइसेप का, जो आप देख सकते हैं आपका बाइसेप का मेन बाइसेप है पीक के लिए, वो मैं ट्रेन कर रहा हूँ। 15 से 20 रैप्स ही लगाएंगे। अब इसके बाद अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अब मैंने फौरन से क्लोज ग्रिप की बगैर रेस्ट लिए, क्लोज ग्रिप लगा रहा हूँ, शॉर्ट हेड जो आउटसाइड का मसल देख सकते हैं बाइसेप का, वो ट्रेन कर रहा हूँ मैं। 15 से 20 रैप्स लगाएंगे उसी तरह से। ये जब मुकम्मल हो जाएगा फिर आप रेस्ट ले सकते हैं 30 सेकंड्स का, और फिर इसके बाद आप 3 सेट्स दोबारा रिपीट करें। बाइसेप की अगली एक्सरसाइज है सुपर सेट नंबर 6, डंबल हैमर कर लगाऊंगा। नॉर्मली हम स्ट्रेट लगाते हैं, तो इसमें मैं इनवर्ट लगा रहा हूँ। इनवर्ट जो है आउटर बाइसेप का जो मसल है, ब्राकियालिस मसल को ट्रेन कर रहा हूँ मैं इसमें, शॉर्ट हेड को ट्रेन कर रहा हूँ, और लॉन्ग हेड भी मेरा साथ में इन्वॉल्व है। आप कोशिश करें कि आप सांस ना रोकें और 15 से 20 रैप्स शूट करें, बॉडी को लॉक करके रखें, शेक नहीं करना है, झटका नहीं देना है। ये लगाने के फौरन बाद आपने लगाना है बाइसेप पीक के लिए केबल ओवरहेड बाइसेप कर्ल्स, इसके भी 15 से 20 रैप्स लगाने हैं। याद रखिए सुपर सेट है, जब ये सुपर सेट कंप्लीट होगा आप 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और अगेन 3 सेट्स मज़ीद शूट करेंगे इसी सुपर सेट के। इसी तरह से राइट आर्म पे आप स्क्वीज करें, आपने मसल को माइंड एंड मसल कनेक्शन बना के रखना है, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मसल को स्क्वीज करें आप बॉडी को लॉक करके, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। ये हो गया सुपर सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7, सुपर सेट बेंट ओवर डंबल। अब इसमें देखें आप, घुटने मेरे बेंड है, मैं थोड़ा सा झुका हुआ हूँ और बेंट ओवर हुआ हुआ हूँ मैं, देखिए 15 से 20 स्टेप लगाऊंगा ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन की फॉर्म में। इसमें मैं बाइसेप के पीक्स को ट्रेन कर रहा हूँ। आपने मसल को फील करना है, मसल कंट्रैक्शन को फील करना है आपने, याद रखिएगा, तभी आप गेन कर सकेंगे, मसल को मेंटेन कर सकेंगे और फैट लॉस कर सकेंगे। यही स्ट्रेटजी होगी माइंड एंड मसल कनेक्शन। इसके साथ मैं लगाऊंगा लेइंग केबल कर्लिंग। आपने वाइड एंगल रखना है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं, मीडियम दरमियान में रखना है, आपने ग्रिप को पकड़ना है, 15 से 20 स्टेप्स लगाएंगे, बॉडी को लॉक रखना है और ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन की फॉर्म में लगाने हैं आप कर्लिंग। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। जब आप ऊपर लेके आए तो हाफ सेकंड के लिए होल्ड करें ताकि आप मसल को फील हो। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ की गाइस, मसल कॉन्ट्रैक्शन से आप अपने मसल को टारगेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ट्रेन हार्ड गाइस। अगली एक्सरसाइज जो मैं लगा रहा हूँ सुपर सेट है, वो मैं अपनी कलाई के लिए, रिस्ट के लिए लगा रहा हूँ क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप। देखिए क्लोज ग्रिप मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से
इसके आप मैक्सिमम 30 से 40 रैप्स लगाइए, 20 से 40 के दरमियान कहीं भी लगा सकते हैं आप। उसके फौरन बाद आप देखिए मैं ये वाइड ग्रिप लगा रहा हूँ, इनवर्ड आउटवर्ड रॉड को ग्रैब करके लगा रहा हूँ। ये देख सकते हो आपकी कलाई के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके सुपर सेट के लगाने के बाद 30 सेकंड्स का रेस्ट लें और फिर दोबारा से 3 सेट्स हिट करें और आप देखिएगा कि आपके बाजुएं जो हैं कितना ज़्यादा पेन होगा आपकी बाजुओं में अगले दिन और आप बर्न महसूस करोगे।